हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके ऑनलाइन क्लास में। आज से मैं रुखसाना मैम आप लोगों को क्लास सेकंड में जीके पढ़ाऊंगी। हम लोग पढ़ेंगे लेसन फर्स्ट, इसको हम लोग बुक की सहायता से पढ़ेंगे क्योंकि बुक में आप लोगों को कुछ चीज़ें भरनी भी है, उसको हम बताएंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ेंगे जीके में लेसन फर्स्ट क्लास सेकेंड में। चैप्टर नेम है माई कंट्री माई होम। यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे इंडिया इज माई मदरलैंड, इंडिया मेरी मातृभूमि है। आई वॉज बॉर्न हीयर, मैं यहाँ पैदा हुआ था। आई फील प्राउड ऑफ बींग एन इंडियन, मुझे भारतीय होने पर गर्व है। इंडिया इज आल्सो नोन एज भारत, इंडिया को भारत के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री, यह सातवां बड़ा देश है। अभी यहाँ से हम लोग देखेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी डू यू लिव, आप किस स्टेट और यूनियन टेरिटरी में रहते हैं। तो यहाँ पे होगा आपका उत्तर प्रदेश, या इसको हम लोग यूपी भी बोलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है इन विच सिटी टाउन विलेज डू यू लिव, आप किस शहर कस्बा और गांव में रहते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पे कप्तानगंज। लेकिन आप लोग जिस सिटी जिस टाउन और जिस विलेज से बिलोंग करते हैं उस जगह का नाम यहाँ पे भरेंगे। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों नेम फोर इम्पॉर्टेंट सिटी ऑफ योर स्टेट और यूनियन टेरेटरी। तो पहला होगा मतलब चार ऐसे शहरों का नाम लिखना है जो आपके राज्य से आता हो। तो पहला लिखेंगे वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज, आगरा। क्वेश्चन नंबर फोर है नेम द मेन रिवर और लेक इन योर स्टेट और यूनियन टेरेटरी। आपने स्टेट का किसी एक नदी या झील का नाम लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे नदी है गंगा। क्वेश्चन नंबर फाइव है नेम फोर प्लेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट ऑफ योर स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो चार ऐसे जगहों का नाम लिखना है जो टूरिस्ट प्लेस है, जहाँ टूरिस्ट आते हैं। तो पहला है आगरा, प्रयागराज, मथुरा एंड लखनऊ। क्वेश्चन नंबर सिक्स है और ये लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ योर सिटी टाउन विलेज फेमस फॉर, आपका जो टाउन सिटी और विलेज है वो क्यों फेमस है। तो माय टाउन इज़ फेमस फॉर शुगर फैक्ट्री, कप्तानगंज के लिए ये है। लेकिन आप लोगों का जिस गांव से जिस शहर से जिस कस्बे से आप लोग बिलोंग करते हैं वह किस लिए फेमस है उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा पहला चैप्टर, इसको फिलअप करेंगे और याद करेंगे। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर टू। ओके स्टूडेंट्स, लेसन नंबर टू है जीके में आपका आवर नेशनल प्राइड। आइडेंटिटी द नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया एंड मैच देम करेक्टली। यहाँ पे आपके इंडिया में जो सिंबल्स होते हैं, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक दिया गया है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक या राष्ट्रीय चिन्ह दिया गया है। तो जितने होते हैं सारा दिया गया है, इसको हम लोगों को टिक लगाना है, मिलान करना है। जैसे यहाँ पे आपका तिरंगा है तो ये क्या है, हमारा नेशनल फ्लैग है। तो इसमें देखिए लाइन में कहाँ नेशनल फ्लैग लिखा गया है, फोर्थ नंबर पे। इसको हम लोग मिलाएंगे तिरंगा से नेशनल फ्लैग को, क्योंकि तिरंगा क्या है, हमारा राष्ट्रीय झंडा है। फिर देखेंगे बी, यहाँ है लोटस, ये क्या है, हमारा राष्ट्रीय फूल है। तो यहाँ देखिए लिखा गया है नेशनल फ्लावर, तो लोटस से नेशनल फ्लावर को मैच करेंगे। अभी तीसरा है पीकॉक। पीकॉक क्या है, नेशनल बर्ड या राष्ट्रीय पक्षी है। इसको हम लोग कहाँ मिलाएंगे, तीसरे नंबर पे देखिए लिखा गया है नेशनल बर्ड, तो पीकॉक से नेशनल बर्ड को मैच करेंगे।
अब आएंगे चौथे नंबर पे डी पर। यहाँ देखिए मैंगो दिया गया है। मैंगो क्या है? हमारा नेशनल फ्रूट या राष्ट्रीय फल के नाम से जाना जाता है। यह भी हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, तो इसको मैंगो को हम लोग नेशनल फ्रूट से मैच कराएंगे। ई है पांचवा रिवर डॉल्फिन, इसको हम लोग नेशनल एक्वेटिक एनिमल के नाम से जानते हैं, राष्ट्रीय जलीय प्राणी, तो इसको हम लोग इसका जो फिगर है यहाँ से हम लोग 9 वाले पे मैच कराएंगे नेशनल एक्वेटिक एनिमल। ये हो गया बच्चों। अब हम लोग देखेंगे एफ पे, या फिर देखिए यहाँ पे लिखा गया है सत्यमेव जयते, ये हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, तो ये नेशनल एम्बल यहाँ लिखा गया है, इससे इसको हम लोग मैच कराएंगे। नेक्स्ट आपका है टाइगर, नेशनल एनिमल, तो इसको हम लोग नेशनल एनिमल सबसे फर्स्ट पे लिखा गया है, इससे हम लोग मैच कराएंगे टाइगर को। नेक्स्ट है बनियान, बरगद का पेड़, ये नेशनल ट्री है हमारा, तो इसको हम लोग मैच कराएंगे नेशनल ट्री से। फिर यहाँ देखिए करेंसी का सिंबल दिया गया है, नेशनल करेंसी सिंबल, तो इसको हम लोग मैच कराएंगे नंबर 10 पे नेशनल करेंसी सिंबल। बाकी बच्चा सबसे लास्ट गंगा, ये नदी है हमारे भारत की, तो नेशनल रिवर ये है, राष्ट्रीय नदी है, इसको हम लोग नेशनल रिवर पे लाके मैच कराएंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका टोटल चैप्टर है। लेसन 2 ये कंप्लीट हो चुका। इस आप लोग क्या करेंगे कि हमारा जो नेशनल सिंबल कौन कौन सा है उसको याद करेंगे। जैसे क्या है कि आवर नेशनल फ्लैग तिरंगा, आवर नेशनल फ्लावर लोटस, ऐसे आप लोग याद करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स। क्लास सेकेंड में अब हम लोग पढ़ेंगे लेसन 3 जीके में। चैप्टर का नेम है आवर नेशनल फ्लैग। आवर नेशनल फ्लैग वाज अडेप्टेड ऑन 22 जुलाई 1947, यानी हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है वह 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया था। अभी द नेशनल फ्लैग इज मेड फ्रॉम खादी, जो हमारा तिरंगा झंडा है वह खादी के कपड़े का बना होता है। वी कॉल आवर नेशनल फ्लैग तिरंगा और ट्राइकलर, यानी हम लोग अपने नेशनल राष्ट्रीय झंडे को किसके नाम से बुलाते हैं? तिरंगा कह के बुलाते हैं। इट हैज़ 3 कलर, जो आपका तिरंगा है उसमें 3 कलर होते हैं। पहला है सेफ्रॉन कलर एट टॉप, यानी कि जो तिरंगा झंडा का सबसे ऊपरी कलर होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेफ्रॉन, सबसे ऊपर हिस्से पे होता है। फिर दूसरा है वाइट कलर इन द मिडिल विथ ए नेवी ब्लू व्हील्स, यानी तिरंगा झंडे का बीच वाला भाग क्या है? सफ़ेद कलर का है, जिसमें नीले कलर का चक्र पाया जाता है, चक्र होता है। तीसरा है ग्रीन कलर एट द बॉटम, यानी कि तिरंगे झंडे का जो सबसे निचला हिस्सा होता है वह हरे कलर का होता है और यह सबसे नीचे होता है। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि पहला सेफ्रॉन, सेफ्रॉन कलर इंडिकेट स्ट्रेंथ एंड करेज। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या है ये कि सेफ्रॉन कलर यानी जो केसरिया रंग है वह इंडिकेट करता है शक्ति और साहस को, यानी शक्ति और साहस का प्रतीक है तिरंगा झंडा का केसरिया कलर। अब देखेंगे वाइट कलर इंडिकेट्स पीस एंड ट्रूथ, यानी जो सफ़ेद कलर होता है वह शांति और सत्य का प्रतीक है। ग्रीन कलर इंडिकेट फर्टिलिटी एंड ग्रोथ, यानी जो ग्रीन कलर है, हरा कलर है, वह संपन्नता और वृद्धि को वृद्धि का प्रतीक होता है। द नेवी ब्लू व्हील्स इज कॉल्ड द धर्म चक्र, जो नेवी ब्लू कलर का जो चक्र होता है इसको यह जो है धर्म चक्र के नाम से भी जाना जाता है।
अब देखेंगे कि इट हैज़ 24 स्पोक्स, इट इंडिकेट मोशन एंड प्रोग्रेस, मतलब कि जो आपका चक्र होता है यह चक्र 24 तीलियों का बना होता है, यानी इसमें टोटल 24 तीलियां पाई जाती हैं। जो ये लाइनिंग है इसमें, यह क्या होता है, 24 होता है। इट इंडिकेट मोशन एंड प्रोग्रेस, यानी यह प्रदर्शित करता है कि मतलब लगातार उन्नति करते रहना चाहिए, यानी कि लगातार गति को और लगातार उन्नति को, प्रगति को ये प्रदर्शित करता है। अब देखेंगे कि वी मस्ट ऑनर्स आवर नेशनल फ्लैग, हमें अपने राष्ट्रीय झंडे के प्रति ईमानदारी दिखाना चाहिए या ऑनेस्टी बरतनी चाहिए। अब पहला है, आवर नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड ऑन 22 जुलाई 1947, भरेंगे यहाँ पे। फिर है, द थ्री कलर्स ऑफ आवर नेशनल फ्लैग आर, यानी कौन सा तीन कलर है, ऊपर हम लोग देखे हैं। पहला क्या है, पहला कलर है सैफ्रॉन, दूसरा है वाइट, तीसरा है ग्रीन। यानी पहले में भरेंगे सैफ्रॉन, दूसरे में वाइट, तीसरे में ग्रीन। नंबर्स ऑफ स्पोक इन अशोक चक्र इज, यानी कि जो अशोक चक्र, यहाँ पे हम लोग देखे हैं धर्म चक्र कहा जाता है, इसके अलावा इस चक्र को हम लोग अशोक चक्र भी कहते हैं। तो इसमें टोटल कितने स्पोक्स हैं, 24। चौथा है, द नेशनल फ्लैग इज सेरेमोनियसली होस्टेड ऑन, मतलब कब कब ये होस्ट किया जाता है तिरंगा झंडा, तो कब कब फहराया जाता है, तो पहला होगा 15 अगस्त, दूसरा है 26 जनवरी। ओके स्टूडेंट्स, इसमें हम आप लोग क्या करेंगे, फिलअप करेंगे और याद करेंगे कि आपके तिरंगा झंडे में कितने कलर हैं, कौन कौन सा कलर क्या क्या प्रदर्शित करता है, और इसमें जो चक्र पाया जाता है उसमें कितनी तीलियां होती हैं, 24 तीलियां। और इस चक्र को हम लोग धर्म चक्र और अशोक चक्र के नाम से भी जानते हैं। हमारा तिरंगा झंडा कब अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947 को, यानी 22 जुलाई 1947 को। ये सारी चीज़ें याद करेंगे और बुक को फिलअप करेंगे। थैंक यू। ऑनलाइन क्लास में, क्लास सेकंड के जीके में, डेज ऑफ सेलिब्रेशन लेसन 4 है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट चॉइस। इंडिपेंडेंस डे, चिल्ड्रेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, टीचर्स डे, यानी ये जितने वर्ड दिए गए हैं इनसे रिलेटेड यहाँ सेंटेंस दिए गए, उसको हम लोग को चूज करके भरना है। तो पहला है, ऑन 26 जनवरी 1950 इंडिया बिकेम ए रिपब्लिक, वी क्रिएट दिस डे एज, यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा जो भारत है वह गणतंत्र बना था। वी सेलिब्रेट दिस डे, उस देश उस दिन को, उस दिवस को हम लोग किस रूप में मनाते हैं, रिपब्लिक डे में, यानी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट दूसरा है, ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया बिकेम ए फ्री एंड इंडिपेंडेंट नेशन, वी सेलिब्रेट दिस डे एज, यानी 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत जो है वह पूर्ण रूप से एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था, तो उस दिन को हम लोग इंडिपेंडेंस डे या स्वतंत्रता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं या मनाते हैं। तीसरा है कि ऑन 5 सितंबर 1888 डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाज बॉर्न, वी सेलिब्रेट हिज बर्थडे एज टीचर्स डे, यानी कि 5 सितंबर 1888 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था, और उस दिन को 5 सितंबर को हम लोग किस डे के रूप में मनाते हैं, टीचर्स डे के रूप में, जो क्या है, राधा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बर्थडे है, उनका जन्म दिवस है। फोर है कि ऑन 2 अक्टूबर 1869 यानी 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशन वाज बोर्न, यानी महात्मा गांधी जिनको हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, उनका जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को।
वी सेलिब्रेट हिज बर्थडे, यानी उनके बर्थडे को हम लोग किस रूप में मनाते हैं, गांधी जयंती के रूप में। जो हम लोग कहाँ से लिख रहे हैं, यहाँ ऊपर देखे दिया है इंडिपेंडेंस डे, चिल्ड्रेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती और टीचर्स डे। यहाँ से हम लोग छाट छाट के नीचे भरेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, लास्ट है ऑन 14 नवंबर 1889 पंडित जवाहरलाल नेहरू आज बोर्न, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था, 14 नवंबर 1889 में। वी सेलिब्रेट हिज बर्थडे एज, यानी उनके जन्मदिन को हम लोग किस रूप में मनाते हैं, चिल्ड्रेंस डे के रूप में। सो स्टूडेंट्स, ये आपका लेसन कंप्लीट है, लेसन 4। अब हम लोग इसके आगे का लेसन पढ़ेंगे, तब तक आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे और इसको याद करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब क्लास सेकेंड के जीके में हम लोग स्टार्ट करेंगे लेसन 5, फेमस सिटी ऑफ इंडिया। इसमें फेमस सिटी ऑफ इंडिया में कुछ फेमस सिटीज़ के नाम यहाँ दिए गए हैं, कोलकाता, मुंबई, शिलोंग, बेंगलुरु, गांधीनगर, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, चेन्नई एंड न्यू दिल्ली। यहाँ से हम लोगों को क्लू से सिलेक्ट करके जो रिलेटेड इससे जगह है वहाँ पे हम लोग भरेंगे। रीड द डिस्क्रिप्शन एंड नेम द सिटीज़, इसको हम लोग पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो सिटी है उसको यहाँ हम लोग भरेंगे। इट इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, यह क्या है, महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र की राजधानी है। द गेटवे ऑफ इंडिया इज़ ए फेमस लैंडमार्क ऑफ दिस सिटी, यानी इस शहर का सबसे प्रसिद्ध स्थान क्या है, गेटवे ऑफ इंडिया। इट इज़ आल्सो नोन एज बिजनेस कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी इस शहर को भारत का व्यवसाय की राजधानी कही जाती है। तो शहर कौन सा होगा, मुंबई, क्योंकि महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई है, और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, वो भी मुंबई में है। नेक्स्ट देखेंगे दूसरा, इट इज़ द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया, यह क्या है, भारत का, भारत राष्ट्र की राजधानी है। और द पार्लियामेंट हाउस इज़ ए फेमस लैंडमार्क ऑफ दिस सिटी, यानी पार्लियामेंट हाउस जो है वह इस शहर का सबसे प्रसिद्ध स्थान है। द रेड फोर्ट ए हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट इज़ लोकेटेड हियर, यानी जो लाल किला है वह एक ऐतिहासिक जगह है, वो भी क्या है, इसी शहर में स्थापित है। उस शहर का नाम क्या है, न्यू दिल्ली। यहाँ आपका दिया गया है न्यू दिल्ली और मुंबई, ये दो हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तीसरा, इट इज़ द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी यह शहर क्या है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी है। द विक्टोरिया मेमोरियल इज़ ए फेमस लैंडमार्क ऑफ दिस सिटी, यानी विक्टोरिया मेमोरियल इस शहर का प्रसिद्ध स्थान है। इट इज़ आल्सो नोन एज द सिटी ऑफ जॉय, इस शहर को, इस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, आनंद के शहर के नाम से जानते हैं। वह शहर का नाम कौन सा होगा, कोलकाता, क्योंकि कोलकाता वेस्ट बंगाल की राजधानी भी है, यहीं पे विक्टोरिया मेमोरियल भी स्थित है, और कोलकाता को ही हम लोग सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जानते हैं। 4 है, इट इज़ द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, यह तमिलनाडु की राजधानी है। द चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन इज़ ए फेमस लैंडमार्क ऑफ दिस सिटी, यानी चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन इस शहर का फेमस प्लेस है या फेमस स्थान है। इट इज़ आल्सो नोन एज ऑटोमोबाइल कैपिटल ऑफ इंडिया, इस शहर को भारत की ऑटोमोबाइल राजधानी के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है उस शहर का, चेन्नई, क्योंकि चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। चेन्नई में ही देखिए लिखा भी है कि चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन यहाँ स्थित है, और इस शहर को ऑटोमोबाइल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे क्या भरेंगे, चेन्नई। बच्चों यहाँ पे नीचे हम लोगों को शहर का नाम भरना है और शहर से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे ऊपर दी गई हैं। अब हम लोग देखेंगे 5वां, इट इज़ द कैपिटल ऑफ कर्नाटका, यह क्या है, कर्नाटका का
की राजधानी है। द विधानसौधा इज ए फेमस लैंडमार्क ऑफ दिस सिटी। इट इज आल्सो नोन एज गार्डन सिटी ऑफ इंडिया। इस शहर को हम लोग क्या गार्डन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। क्या भरेंगे यहाँ पे? बेंगलुरु। छठवां है, इट इज़ द कैपिटल ऑफ गुजरात, यह गुजरात की राजधानी है। द स्वामी नारायणन अक्षरधाम टेम्पल इज ए फेमस लैंडमार्क ऑफ दिस सिटी। यानी कि गुजरात की राजधानी भी है और इस शहर में स्वामी नारायणन अक्षरधाम मंदिर भी स्थित है। उस शहर का क्या नाम है? गांधी नगर। इट इज़ द कैपिटल ऑफ मेघालय, यह मेघालय की राजधानी है। द कैथेड्रल ऑफ मैरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियन इज ए फेमस लैंडमार्क ऑफ दिस सिटी। इट इज़ आल्सो नोन एज द स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट। इसको पूरब का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। और यहाँ पे यहाँ का फेमस प्लेस या प्रसिद्ध स्थान क्या है? कैथेड्रल ऑफ मैरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियन। तो यह जगह जो है वह क्या, उस शहर का नाम क्या होगा? शिलोंग, क्योंकि मेघालय की राजधानी है शिलोंग। आठवां है, इट इज़ द कैपिटल ऑफ तेलंगाना, यह क्या है? तेलंगाना की राजधानी है। द चार मीनार इज ए फेमस लैंडमार्क ऑफ दिस सिटी। इस शहर की सबसे प्रसिद्ध स्थान क्या है? चार मीनार। इट इज़ आल्सो नोन एज द सिटी ऑफ पर्ल्स। इस शहर को मोतियों के शहर के भी नाम से जाना जाता है। उस शहर का नाम क्या है? हैदराबाद। नौवा है कि इट इज़ द कैपिटल ऑफ केरला, यह क्या है? केरला की राजधानी है। द श्री श्री पद्मनाभा स्वामी टेम्पल इज ए फेमस लैंडमार्क ऑफ दिस सिटी। इट इज आल्सो नोन एज एवर ग्रीन सिटी ऑफ इंडिया। यानी कि यह केरल की राजधानी है और इस सिटी में श्री पद्मनाभा स्वामी मंदिर भी है और इसको हम लोग एवर ग्रीन सिटी के नाम से भी जानते हैं। भारत के सदाबहार शहर के भी नाम से जानते हैं। उस शहर का नाम क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरला की राजधानी है ये। तो बच्चों, इसमें हम लोग को पढ़ने का आशय ये है कि जितने भी शहर आपके दिए गए हैं ये किसी न किसी राज्य की राजधानियां हैं, तो इनको हम लोग याद भी करेंगे और इसको भरेंगे भी। थैंक यू बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 6, आवर सेंस ऑर्गन, पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी दैट हेल्प अस टू नो द वर्ल्ड अराउंड अस आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स। यानी कि हमारे शरीर के वह बॉडी पार्ट्स जो हमको यह जानने में मदद करते हैं कि हमारी दुनिया में चारों ओर क्या है, उनके बारे में बताते हैं, वे हमारे क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन्स कहलाते हैं। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। हमारे कितने सेंस ऑर्गन्स हैं? 5 हैं। 5 सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं हमारी बॉडी में, आईज, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन। जैसे आँख, नाक, कान, जीव एंड त्वचा। विच सेंस ऑर्गन्स वुड यू यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। यहाँ पे हम लोगों को भरना है। पहले थोड़ा सा फिगर में देखेंगे क्या है। आँख से हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं साइड। नाक से स्मेल यानी किसी चीज़ों को सूंघते हैं। कान से हियरिंग सुनते हैं। जीभ से क्या करते हैं? हम लोग टेस्ट लेते हैं। और त्वचा से किसी चीज़ों को हम लोग छू करके या टच करके अनुभव करते हैं या महसूस करते हैं। अब देखेंगे, पहला है टू सी एंड एरोप्लेन फ्लाइंग। जब एरोप्लेन उड़ता है तो हम लोग उसको किससे देखते हैं? आँख से, यानी यहाँ पे भरेंगे आइज। दूसरा है टू टेस्ट ए चॉकलेट। चॉकलेट जब हम लोग खाते हैं तो किसे टेस्ट लेते हैं? टंग यानी जीभ के द्वारा। टू लिसन टू ए सॉन्ग, हम लोग गाना सुनते हैं किसके द्वारा? ईयर्स। टू स्मेल ए फ्लावर, फ्लावर को हम लोग सूंघते हैं तो खुशबू आती है। किसे सूंघते हैं? नोज़ के द्वारा।
टू फील वार्म्थ, हम लोग किसी चीज़ों की गर्मी कैसे महसूस करते हैं, तो क्या होगा स्किन। नेक्स्ट है बच्चों कि गिवन बिलो आर सम वर्ड्स एसोसिएटेड विथ सेंस ऑर्गन्स, प्लेस ईच ऑफ देम इन द करेक्ट ग्रुप। यहाँ पे कुछ वर्ड दिया गया है जिसको आपको उठा के इस टेबल में भरना है, तो आपके सेंस ऑर्गन से रिलेटेड यहाँ पे वर्ड हैं। जैसे यहाँ पे आइज है, हम लोग देखते हैं तो क्या क्या देखते हैं इसमें दिया गया है। टू स्मेल, हम लोग सुनते हैं तो वो भी इसमें दिया गया है। टू हीयर, टू टेस्ट एंड टू फील, तो इन सब में आपके इस वर्ड को छांट के भरना है। टू शी, यानी यहाँ पे क्या होगा, साइनी, ब्यूटीफुल, रेड और स्मॉल, ये सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। साइनी, जब कोई वस्तु बहुत चमकदार होती है, सुंदर होती है, या रेड मतलब लाल कलर का होता है, स्मॉल होता है छोटा, ये सारी चीज़ें हम लोग आँखों से देख सकते हैं। ऑर्डर, स्टिंकी, फ्रेग्रेंट और स्मोक, इन सारी चीज़ों को हम लोग अपने नाक के द्वारा सूंघ करके पता लगाते हैं। नेक्स्ट है टू हियर, थंडर, चर्पिंग, लॉफिंग और म्यूजिक, इसको हम लोग बनेंगे टू हियर के अंदर। फिर है टू टेस्ट, सावर, बीटर, स्वीट, साल्टी, कोई चीज़ की का टेस्ट कैसे है तो वो हम लोग किससे पता करते हैं, अपने टंग से। टू फील, महसूस किसे करते हैं, स्किन से, त्वचा से, तो क्या होगा, सॉफ्ट, हार्ड, हॉट और कोल्ड, यानी कोई चीज़ मुलायम है, हार्ड है, या फिर मतलब सख्त है, या गर्म है, या ठंडा है, उसको हम लोग छू कर पता करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको आप लोग छाँट के इसमें भरेंगे और फाइव सेंस ऑर्गन्स नेम याद करेंगे, आईज, टंग, ईयर, नोज एंड स्किन, ये हमारे पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं, फाइव सेंस ऑर्गन्स नेम है, इसको आप याद करेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बच्चों लेसन नंबर 7, कीपिंग गुड हेल्थ। ओके बच्चों, अब हम लोग क्लास सेकेंड के जीके में देखते हैं लेसन नंबर 7, चैप्टर नेम है कीपिंग गुड हेल्थ। इसमें पहले हम लोग देखेंगे, दिया है क्लूज में, वेकअप, च्यू, रिक्रिएशन, रोड साइड, एक्सरसाइज, जंक, टीथ, स्लीप, टॉयलेट, बैलेंस्ड, वाटर, क्लोज, बाथ एंड मील, इन सारे वर्ड्स को जो आपकी खाली जगह दिए गए हैं इसमें उठा के भरना है सेंटेंस पढ़ने के बाद से। चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स, पहला है यहाँ पे जगह खाली था, हम तो पहले से भर दिए हैं, आप लोग देख के भरेंगे। अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो टू बेड अर्ली एट नाइट, मतलब कि क्या होगा, रात में हम लोग बेड पे जल्दी जाते हैं तो सुबह में क्या होते हैं, जल्दी से उठेंगे, यानी यहाँ पे भरेंगे वेकअप, यानी वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह में जल्दी उठना चाहिए, एंड गो टू बेड अर्ली एट नाइट, रात में सोने के टाइम में भी आपको बेड पे जल्दी जाके सोना चाहिए। सेकंड नंबर है ब्रश योर टीथ, बीच में क्या भरेंगे, टीथ, ट्वाइस ए डेली, ट्वाइस ए डे, वंस इन द मॉर्निंग एंड वंस एट बेड टाइम, यानी आपको अपने दांतों को दो बार ब्रश करना चाहिए एक दिन में, कब, एक सुबह में और एक जब आप लोग सोने जाते हैं खाना खाने के बाद तब। नेक्स्ट तीसरा है बच्चों, हैव ए बाथ एवरी डे, यानी रोज़ नहाना चाहिए। वी क्लीन क्लोथ्स, इसमें क्या भरेंगे चौथे में, क्लोथ्स, यानी वीयर क्लीन क्लोथ्स, सॉरी वीयर क्लीन क्लोथ्स, यानी हम लोग को साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। तीसरा है, पांचवा है ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर टू स्टे फिट, यानी फिट रहने के लिए हमको पूरी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पानी पीना चाहिए। छठवां है वॉश हैंड बिफोर एंड आफ्टर ईच मील, अपने हाथों को खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद हमेशा वॉश करना चाहिए और धोना चाहिए। सातवां है ऑलवेज ईट ए बैलेंस्ड डाइट, हमेशा हमें कैसा भोजन करना चाहिए, बैलेंस्ड डाइट यानी संतुलित भोजन करना चाहिए। आठवां है ईट स्लोली एंड च्यू द फूड वेल, यानी कभी भी जब हम लोग कुछ खाते हैं तो धीरे धीरे खाना चाहिए और उसको अच्छी तरह से, अपने खाने को अच्छी तरह से चबा करके खाना चाहिए। नौवां है
डू नॉट ईट फूड फ्रॉम रोड साइड वेंडर्स, यानी कि जो रोड के सड़कों के किनारे जो खाने पीने की सामग्रियां मिलती हैं उनको कभी भी नहीं खाना चाहिए। दसवां है अवॉइड ईटिंग जंक फूड, जितने भी जंक फूड होते हैं उनको नहीं खाना चाहिए। ग्यारह है वॉश हैंड्स एवरी टाइम यू यूज़ द टॉयलेट, यानी जब भी आप लोग टॉयलेट में जाते हैं तो टॉयलेट से बाहर निकलने के बाद से हमेशा अपने हाथों को वॉश करना चाहिए, धोना चाहिए। डू योगा एंड एक्सरसाइज रेगुलरली, हमेशा आपको योगा और एक्सरसाइज करना चाहिए, जिससे क्या होता है स्वास्थ्य या आपका शरीर फिट रहता है, स्वास्थ्य सही रहता है। तीसरा है स्लीप फॉर 8 to 10 hours ए डे, यानी एक दिन में हम लोग को कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए, 8 to 10 hours। चौदह है फाइंड सम टाइम फॉर फन एंड रिक्रिएशन, यानी कि कुछ समय हम लोगों को अपने मज़ा और मनोरंजन के लिए भी निकालने चाहिए, ताकि आप लोग मस्ती कर सकें कुछ टाइम में और मनोरंजन कर सकें। पर ये हमेशा नहीं, मतलब समय निकाल कर थोड़ा बहुत आप लोग मस्ती और मनोरंजन कर सकते हैं बच्चों। उसके अलावा आपकी और सारी आदतें अच्छी होनी चाहिए, जितना भी आपकी रोज़ की डेली की आदतें हैं, जैसे नहाना, खाना, पीना, सोना, कपड़े पहनना, ये सारी आदतें आपकी अच्छी होनी चाहिए। और कोशिश करना चाहिए कि आप लोग रोज़ सुबह उठ के ब्रश करके नहा लें, नाश्ता अच्छे से करें। ओके बच्चों, तो आप लोग इस चैप्टर में सारी चीज़ों को फिलअप करेंगे और याद करेंगे। ओके बच्चों, अब हम लोग देखते हैं लेसन नंबर 8 क्लास सेकंड के जीके में, चैप्टर नेम है यूज़फुल प्लांट, यानी कि ऐसे प्लांट जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं। प्लांट्स आर यूजफुल टू अस इन मेनी वेज, यानी पौधे जो होते हैं हमारे लिए कई तरह से उपयोगी होते हैं। वी गेट फ्रूट्स वेजिटेबल्स ग्रेन्स एंड स्पाइसेस फ्रॉम प्लांट, हम लोगों को पौधों से सब्जियां, अनाजें, फल, मसाले, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। वी ऑल्सो गेट मेडिसिंस ऑयल टिम्बर फाइबर्स एंड रबर फ्रॉम प्लांट्स, इनके अलावा हम लोगों को पौधों से दवाइयाँ, औषधियाँ, तेल, लकड़ियाँ जो से फर्नीचर बनते हैं, फाइबर्स, रेशे और रबर भी प्राप्त होते हैं। तो आइए कुछ पौधे ऐसे हैं, हम लोग देखते हैं इस तरह के पौधे कि किन पौधों से हमें क्या मिलता है, उस पर हम लोग टिक करेंगे। टिक द करेक्ट आंसर, 3 आंसर दिया गया, इसमें से जो आंसर सही होगा उसको टिक करेंगे और यहाँ ऊपर भरेंगे। पहला है वी गेट टिम्बर फ्रॉम, मतलब हम लोग को टिम्बर या लकड़ी कहाँ से मिलता है, तो वी गेट टिम्बर फ्रॉम टिक ट्री, टिम्बर इज यूज टू मेक फर्नीचर, यानी कि हम लोगों को लकड़ी कहाँ से मिलता है, टिक ट्री, जिसको हम लोग लकड़ी के लिए यूज़ करते हैं। टिम्बर इज यूज टू मेक फर्नीचर, यानी इसका उपयोग कहाँ होता है, फर्नीचर बनाने में। यहाँ पे 3 दिया है, ग्रैप वाइन प्लांट, टिक ट्री और एप्पल ट्री, तो टिक हम लोग किस पे करेंगे, टिक ट्री। वी गेट कॉटन फाइबर फ्रॉम कॉटन प्लांट, कॉटन इज यूज टू मेक क्लॉथ, यानी कि हम लोग को कॉटन कहाँ से मिलता है, कॉटन प्लांट से, जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, कपड़े बनाने में। तो 3 ऑप्शन है, पीपल ट्री, मैंगो ट्री और कॉटन प्लांट, तो हम लोग टिक कहाँ करेंगे, कॉटन प्लांट पे, ये इसका सही आंसर है। तीसरा है वी मेक मेडिसिन फ्रॉम नीम ट्री मेडिसिंस, आर यूज टू ट्रीट एलिमेंट्स, मतलब कि जो आपका मेडिसिन औषधियाँ होती हैं उसको हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, नीम ट्री से, यानी इन औषधियों का उपयोग क्या होता है, औषधियों का उपयोग ट्रीट करने में, यानी कि इलाज करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे नीम ट्री, कैक्टस प्लांट और बम्बू ट्री दिया गया है, हम लोग टिक कहाँ करेंगे, नीम ट्री पे। चौथा है वी मेक रबर फ्रॉम रबर ट्री, हम लोग रबर किससे बनाते हैं, रबर ट्री से, रबर इज़ यूज टू मेक
टायर्स यानी रबड़ का यूज़ कहाँ होता है? टायर्स बनाने में। तो देवदार ट्री, रबर ट्री और अकेसिया ट्री, किस पे करेंगे हम लोग? रबर ट्री पे। पांचवा है बच्चों, वी ऑब्टेन कुकिंग ऑयल फ्रॉम सनफ्लावर प्लांट। ऑयल इज यूज्ड फॉर कुकिंग फूड, यानी कि खाना बनाने के लिए हम लोग ऑयल कहाँ से प्राप्त करते हैं? सनफ्लावर से। और इस ऑयल का उपयोग कुकिंग फूड यानी खाना बनाने में किया जाता है। तो तीन प्लांट के यहाँ पे नाम दिया गया है, हिबिस्कस प्लांट, सनफ्लावर प्लांट और हीना प्लांट्स। टिक किस पे करेंगे हम लोग? सनफ्लावर प्लांट पे। छठवां है, वी मेक पेपर फ्रॉम बम्बू ट्री। पेपर इज यूज टू मेक बुक्स, यानी हम लोग पेपर किससे तैयार करते हैं? बम्बू ट्री से, यानी बांस के पेड़ से या बांस से हम लोग क्या करते हैं? पेपर तैयार करते हैं। पेपर इज यूज टू मेक बुक्स, यानी पेपर का यूज़ कहाँ होता है? किताबें बनाने में। तो यहाँ पे पीपल ट्री, नीम ट्री और बम्बू ट्री दिया है, टिक कहाँ करेंगे? पीपल ट्री पे। सातवां है बच्चों, वी ऑब्टेन रेडिस ब्राउन डाई फ्रॉम हीना प्लांट्स, यानी कि लाल और ब्राउन कलर की डाइज जो हम लोग बनाते हैं मिलता है कहाँ से? मिलता है हमें हीना प्लांट से। हीना इज यूज फॉर स्किन डेकोरेशन, यानी कि स्किन को डेकोरेट करने में, जिसको हम लोग मेहंदी भी कहते हैं, मेहंदी लगाने में यूज किया जाता है। कौन सा ये? हीना प्लांट, रोज प्लांट और हिबिस्कस प्लांट। टिक किस पे करेंगे? हीना प्लांट पे। आठवां है, वी गेट परफ्यूम फ्रॉम रोज प्लांट। परफ्यूम इज यूज फॉर फ्रेगनेंस, यानी कि जो परफ्यूम तैयार किया जाता है रोज़ के प्लांट से, गुलाब के पौधे से या उसके फूल से तैयार किया जाता है। तो परफ्यूम इज यूज फॉर फ्रेगनेंट, यानी अच्छी खुशबू के लिए हम लोग परफ्यूम का यूज़ करते हैं। तो रोज़ प्लांट, जूट प्लांट और तुलसी प्लांट। ठीक किस पे करेंगे हम लोग? रोज़ प्लांट पे। वी गेट गम फ्रॉम एकेसिया ट्री। गम इज यूज टू मेक ग्लू। गम किससे हम लोग मिलता है? एकेसिया ट्री से। तो यहाँ पे दिया गया है बनियान ट्री, एकेसिया ट्री और पोटैटो प्लांट। टिक किस पे करेंगे? एकेसिया ट्री से। तो बच्चों, ये आपका रहा लेसन नंबर 8, यूजफुल प्लांट्स। कौन से प्लांट का यूज़ कहाँ होता है आप लोग जान गए होंगे। इसको याद करेंगे और बुक में फिलअप करेंगे। थैंक्स फॉर ऑल। नंबर 9, अमेजिंग एनिमल्स। यूज़ द पिक्चर क्लू टू राइट द नेम ऑफ एनिमल करेक्टली इन ईच ब्लैंक्स। मतलब जो खाली जगह है वहाँ पे हम लोग पिक्चर क्लू की सहायता से जंतुओं का नाम भरेंगे, जानवरों का। तो एन एलिफेंट हैज़ आइवोरी टस्क, मतलब हाथी के पास दांत हैं, जो हाथी के लंबे दांत होते हैं इसको हम लोग आइवोरी टस्क कहते हैं, हाथी दांत। सेकेंड है, ए फ्रॉग बींग्स इट लाइफ हैज़ ए टैडपोल, यानी कि ए फ्रॉग बिगिंस इट्स लाइफ एज ए टैडपोल। जब मेंढक छोटा होता है तो अपनी लाइफ स्टार्ट किसके रूप में करता है? टैडपोल के रूप में स्टार्ट करता है अपनी लाइफ मेंढक। तीसरा है कि ए जिराफ कैन लिव फॉर वीक्स विदाउट ड्रिंकिंग वाटर लॉन्गर देन इवन कैमल। मतलब कैमल की अपेक्षा जो जिराफ होता है वह भी कई हफ्ते तक बिना पानी पिए रह सकता है। द कैमल हैज़ ए हम्प ऑन इट्स बैक, यानी जो ऊँट होता है उसके बैक या पीठ पर कुबड़ पाया जाता है। पांचवा है कि द चीता इज़ द फास्टेस्ट एनिमल ऑन लैंड। चीता जो होता है वह लैंड पर सबसे फास्टेस्ट एनिमल है। छठवां, ए हॉर्स कैन स्लीप स्टैंडिंग अप। घोड़ा जो है वो क्या होता है? खड़ा होने पर भी सोता है। नेक्स्ट है बच्चों, ए मीरकैट कैन स्टैंड इरेक्ट ऑन हिंड लेग्स टू वॉच इट्स एनिमीज, यानी कि जो मीरकैट एनिमल होता है वह अपने दुश्मन जंतुओं को देखने के लिए अपने पीछे वाले दोनों पैरों पर सीधा खड़ा हो जाता है।
आठवां है ए पेंगुइन इज ए बर्ड दैट कैन स्विम, मतलब पेंगुइन एक ऐसी चिड़िया है जो पानी में तैर सकती है। तो बच्चों आपका ये रहा लेसन नंबर 9 अमेजिंग एनिमल्स, इसको आप पूरा करेंगे और याद करेंगे। थैंक यू। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों लेसन नंबर 10 क्लास सेकेंड के जीके में बर्ड सर्च। इसमें आपको क्लूज दिया गया है वी सी डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स अराउंड अस, दे डिफर इन शेप साइज एंड कलर्स, मतलब यहाँ पे आप लोग जितने बर्ड्स देख रहे हैं क्या हैं उनका आकार उनका कलर सब कुछ अलग है। क्लूज दिया गया है, बस एक एक लेटर आपके बुक में दिया गया होगा उसकी सहायता से नीचे आपका क्लूज है हम लोगों को भरना है। जैसे यहाँ पे देखिए दिया गया वुड पीकर, ईगल, ऑस्ट्रिच, पैरट, टर्की, कुकू, ऑयल और हमिंग बर्ड्स। तो इसमें पहला दिया गया इट इज़ ए लार्ज प्रेडेटरी बर्ड्स, पहला क्या होगा ईगल। दूसरे में हम लोग भरेंगे दिया है इट कैन मिमिक ह्यूमन वॉइस, यानी कि तोता जो है वह मनुष्य की आवाज़ की कॉपी कर सकता है। तो क्या है पी ए डबल आर ओ टी पैरट भरेंगे इसमें। तीसरा है इट डज नॉट मेक ए नेस्ट ऑफ इट्स ओन, मतलब कि यह कौन सी चिड़िया है जो अपना खुद का घोंसला तैयार नहीं करती है। तो तीसरे में क्या हो जाएगा कुकू सी यू सी के डबल ओ, मतलब कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। चौथा है सॉरी बच्चों पांचवा है ऐसे डाउन में हम लोग भरेंगे। डाउन में पहला ऐसे हो गया ऊपर से नीचे में ईगल, दूसरा हो गया पैरट, तीसरा हो गया कुकू और पांचवा यहाँ पे है इट शेयर्स इट नेम विथ ए कंट्री, यानी कि इसका जो नाम है वह किसी कंट्री से मिलता जुलता है। तो क्या हो जाएगा तुर्की, यह भी एक बच्ची का नाम है और यह कंट्री का भी नाम है तुर्की, टी यू आर के ई वाई तुर्की, यह चिड़िया का भी नाम है और एक देश का भी नाम है। अब हम लोग ऐसे क्रॉस एक क्रॉस में पढ़ेंगे, ऐसे डाउनवर्ड में हो गया एक क्रॉस में। चौथा है कि इट कैन फ्लाई बैकवर्ड, यानी यह चिड़िया बैक पीछे की तरफ भी उड़ सकती है, हमिंग बर्ड। छठवां है इट कैन टर्न अराउंड इट हेड ऑलमोस्ट कम्प्लीटली, यानी कि यह चिड़िया क्या है अपने हेड को बैठे बैठे पीछे घुमा सकती है बिना अपने शरीर को मोड़े। तो कौन सा होगा आउल, यानी उल्लू क्या करता है अपने शरीर को बिना मोड़े अपने सिर को घुमा सकता है। सातवां है इट लेज द लार्जेस्ट एग इन द वर्ल्ड, यानी यह चिड़िया पूरे विश्व में सभी पक्षियों से सबसे बड़ा अंडा देती है। तो उसका हो जाएगा सातवां ऑस्ट्रिच। आठवां है इट मेक ए यूनिक साउंड वाइल पीकिंग ऑन ट्री, यानी कि यह जब पेड़ में होल करती है तो अजीब सी आवाज़ निकालती है, कौन चिड़िया है वुड पीकर। तो बच्चों लेसन नंबर 10 में इस क्लूज को आप लोग फिलअप करेंगे और जितने भी यहाँ पे पक्षी बर्ड्स दिए गए हैं इनका नाम आप लोग याद करेंगे। थैंक यू।